हो रहा है इससे नीलगाय से? बहुत माने कुछ होने नहीं देता है, कुछ नहीं। कितने के झुंड में आ रहा है? करीब 2500 50। आप लोग अभी तक कितने का नुकसान हो गया होगा? बहुत कुछ है, खेती धान का बहुत हुआ है। साग सब्जी नाम क्या हुआ आपका? रामदेव है। कौन सा गाँव हुआ ये? मरवन टोक। जंगली जानवर से बचाव को लेकर के वन विभाग काफ़ी जागरूक है और काफ़ी जो है इसके लिए प्रयास भी चल रहा है। पटना में नीलगाय को नसबंदी का जो है सो कार्यक्रम हुआ है और उसके बाद पटना के बाद पूरे बिहार में जहाँ जहाँ ये नीलगाय प्रभावित एरिया है, जो सबसे ज़्यादा जहाँ उसका प्रभाव है, सबसे ज़्यादा जहाँ फसल की क्षति होती है, वहाँ जो है ये बंध्याकरण का काम वहाँ भी होना है। और फिलहाल एक ये हम लोगों ने यहाँ से भेजा है, मांग किया है उस मशीन का। मशीन की आवाज़ पर जो है नीलगाय उसे भागता है, दूर दूर तक भागता है। तो उस तरह का 50 मशीन जो है चिन्हित करके यहाँ लगवाना है पूरे ज़िला के विभिन्न प्रखंडों में। 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड में हर जगह जगह का जो है सो चयन होगा और वहाँ पर मशीन। सबसे ज़्यादा नीलगाय से प्रभावित कौन कौन से प्रखंड? देखिए कम और ज़्यादा ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम लोग ये जान रहे हैं कि करीब करीब सब जगह प्रभावित है। हर जगह से सूचना विभाग को मिलती है कि हमारे यहाँ नीलगाय से फसल की बर्बादी हो रही है।